विधायक वीरेंद्र गांव नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN24 पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि शिक्षकों को 10:45 बजे स्कूल आना है और उनके ऊपर मुख्य सचिव के पाठक कह रहे हैं कि 9 बजे स्कूल आना है। अब बड़ा कौन है यह तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है कि विजय सिन्हा ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के बारे में कहा था कि वह बजट सत्र के दौरान विधानसभा से गायब है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनसे पूछिए कि विजय सिन्हा हमसे जूनियर है। अब सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में घोषणा है कि शिक्षक 15 मिनट पहले जाएंगे, 10 बजे से 15 मिनट पहले जाएंगे और विद्यार्थी का क्लास 10 बजे से शुरू होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री सदन में ये घोषणा कर रहे हैं और उनका पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनता, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं मानता, या तो पदाधिकारी रहे या मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे। बड़ा कौन, के पाठक या मुख्यमंत्री? ये तो पूछना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बड़े हैं या के पाठक है। जब ब्यूरोक्रेसी का राज होता है तो इसी तरह होता है। और माननीय मुख्यमंत्री को कुछ नहीं है, उनको जिस क्षेत्र की न जनता से मतलब है, न बिहार की आम आवाम से मतलब है। केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए वो पैदा लिए हैं। उनका राजनीति में प्रवेश हुआ है, पैदाइश नहीं, राजनीति में प्रवेश जो हुआ है तो केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ है। और उस रिकॉर्ड को तो बना लिए, आगे कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, 6 महीना इधर 6 महीना उधर, और विधान परिषद विधानसभा का तो सदस्य नहीं रहते। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव नहीं है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि इस्तीफा दे देनी चाहिए उनको। उनको उनसे प्रश्न पूछिए, विजय कुमार सिन्हा हमसे जूनियर हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं अलग चीज़ है, वो सब जूनियर लोग हैं। उनसे पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री जब सेशन चलता है तो विदेश का यात्रा क्यों करते हैं, विदेश क्यों जाते हैं? हमारे नेता तो मुद्दों को लेकर गए हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं मुद्दों को लेकर और जनता के हित में कर रहे हैं। और सरकार ने जो काम की है, अपना जिस सरकार में वो थे काम गिनाने भी गए हैं और जनता के मुद्दों को भी रखने का काम करने गए हैं। समस्तीपुर में अदन मोहन ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि माए बाप की पार्टी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।